खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। कुक्षी क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था नर्मदा नदी से की जाती है, जहां इंटक वेल डूब जाने से को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े ने किया डेहर क्षेत्र का दौरा, वैकल्पिक व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। कुक्षी शहर की पेयजल व्यवस्था डेहर चंदन खेड़ी स्थित नर्मदा नदी से की जाती है। वहीं है क्षेत्र डूब में आने के कारण एवं नर्मदा नदी में बैक वाटर आने के कारण दिन प्रतिदिन इसका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बढ़े हुए जलस्तर के कारण इंटक वेल पूरी तरह से डूब गया है। नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े, नेता प्रतिपक्ष हरीश सेन, नगर परिषद उपाध्यक्ष लोकेश सरदार सहित समस्त पार्षदों ने इंटक वेल का निरीक्षण किया। इसके साथ ही कुक्षी नगर को पानी की पूर्ति करने के लिए की गई वैकल्पिक व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। वहीं वैकल्पिक व्यवस्थाएं स्थायी समाधान नहीं है, इसको लेकर नगर पंचायत परिषद लगातार स्थायी समाधान को लेकर प्रयास कर रही है। नगर परिषद अध्यक्ष मुकाम सिंह किराड़े ने बताया कि इंटक वेल डूब जाने के कारण जल व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नगर परिषद द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शीघ्र ही कुक्षी के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से एक प्रतिनिधि मंडल भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एवं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री क्षेत्रीय विधायक सुरेश सिंह बघेल से मिलकर उन्हें इस समस्या से अवगत कराएंगे। सीएमओ वीरेंद्र बोर्डे का कहना है कि हमने प्रशासन को इंटक वेल डूब जाने से अवगत करवाया गया है और नगर परिषद अपने स्तर पर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। 2013 में उसकी हाइट थोड़ी कम थी, 128 मीटर ऐसी हाइट थी, लेकिन अब 138 मीटर डैम की हाइट कर दी है। और 138 मीटर हाइट करने में ये इंटेक वेल हमारा है, बैक वाटर यहाँ आ गया और हाइट भी कम है और यहाँ ये डूबने में जा रहा है, इसलिए अभी ये पूरा 138 मीटर में डूब जाएगा। इसलिए ये यहाँ से ये हम लोग जहाँ खड़े ये भी डूब जाएगा, इसलिए हम नई व्यवस्था कर रहे हैं और शासन से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारा जो पुराना एक इंटेक वेल था, सन 1984 का बना हुआ इंटेक वेल था, वो इंटेक वेल भी जीर्ण शीर्ण हो गया है, पूरा खत्म डिसमेंटल करने लायक हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि शासन उसका कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करके हमको उसका हर्जाना दे दे या मुआवजा दे दे या नई व्यवस्था कर दे। हम शासन से मांग करेंगे कि नगर पंचायत कुक्षी की पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन से मांगे। अभी आपने सरकार के किसी मंत्री मुख्यमंत्री से कोई चर्चा की है या पत्र लिखा है? मैंने अभी सरकार के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री को भी पत्र लिखा है और क्षेत्रीय मंत्री हमारे क्षेत्रीय विधायक है सुरेंद्र सिंह बघेल, उनसे भी हमने मांग की है कि कुक्षी की पेयजल व्यवस्था संकट में ना हो, इसलिए शासन से कुछ व्यवस्था करें। 86 मीटर के आसपास होगा। अभी वर्तमान में हमने नर्मदा नदी और हमारे इंटेक वेल और ट्रीटमेंट प्लांट का भ्रमण किया। कल ही हमारी परिषद के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय और पार्षदगण, साथ ही नगर के सभी सम्मानीय हमारे मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सभी लोग गए थे और उनके द्वारा भी निरीक्षण किया गया। मेरे द्वारा भी हमारे इंजीनियर के साथ 2-3 बार इसका भ्रमण हो गया है और हमने देखा कि अभी वाटर लेवल जो वर्तमान में 132.00 के आसपास हो चुका है और ऐसी दशा में नगर पालिका का जो इंटेक वेल बना है वो डूब गया है। और इसमें इंटेक वेल में हमारी जो टर्बाइन मोटर्स 100 हॉर्स पावर की लगी हुई थी, वो डूबने की कगार पे थी, तो हमने तुरंत उसको निकाल करके सुरक्षित स्थान पर रख दिया है और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग को समन्वय करके उनसे हमने 100 हॉर्स पावर का सबमर्सिबल पंप लिया है और अभी हमने उसको नर्मदा नदी में डाल करके उसको कनेक्ट कर दिया पाइपलाइन से। अभी नगर क्षेत्र कुक्षी के नागरिकों को मुझसे पानी पिला रहे हैं, चूँकि एक वैकल्पिक व्यवस्था है, और इसके अतिरिक्त और ये भी अभी फिर वाटर लेवल अब धीरे धीरे 30 सितंबर तक और 15 अक्टूबर तक फिर बढ़ जाएगा। तो ये जहाँ पे हमने मतलब ये व्यवस्था की है, ये भी जहाँ पे हमारा डीपी लगी हुई है ये भी डूब में चले जाएगा। तो इसको और दृष्टिगत रखते हुए इसका जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसको हम वहाँ के लोग दगड़ बेड़ी के नाम से जानते हैं, तो दगड़ बेड़ी पर हम फिलहाल 30-30 हॉर्स पावर के मोनोब्लॉक लगा रहे हैं और उसी से कनेक्टेड 10-10 हॉर्स पावर की जो पनडुब्बी मोटर बोलते हैं उसको हमने नदी में लगा करके अप टू डेट कर दिया है और वहाँ पे एमपीईबी से समन्वय करके हम उसको 33 केवी लाइन को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और ये 2-3 दिन में हमारी ये कार्रवाई संपन्न हो जाएगी।
तो प्रदाय में फिर रुकावट तो नहीं आएगी। रुकावट हमारा नगर परिषद का पूरा प्रयास है, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और हमारी पूरी परिषद जी जान से लगी हुई है। हम लोग, हमारा स्टाफ भी लगा हुआ है कि नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की पेयजल की समस्या उत्पन्न न हो, और ये जैसे ये होता तो इससे हम यहाँ से हमारी जो 30 आसपास के मोनो ब्लॉक है इसको हम कनेक्ट कर देंगे यदि हमारी सबमर्सिबल किसी कारण से यदि तकनीकी खराबी से बंद होती है तो। ये हो गया हमारी, अब चलेगा, कोई तकलीफ तो नहीं आना यहाँ। अगर लाइट हमको व्यवस्थित समय पर मिल जाती तो यहाँ से कोई समस्या नहीं आना पक्षी के लिए। अगर लाइट समय पर नहीं मिली और ये बिजली के पोल अगर डूब जाते हैं तो ये मोटर भी बंद हो सकती है। यहाँ स्टैंड बना के हम इसको मोटर को व्यवस्थित चालू रखेंगे ताकि गांव को सप्लाई पानी मिलता रहे 24 घंटे। अच्छा, ये क्या नाम है इस जगह का? ये गदर बैड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये गदर बैड़ी जो मतलब है कि डूब से है करीबन 3-4 मीटर ऊंचाई पर, ये तीन मीटर ऊंचाई पे है डूब जगह। और अगर यहाँ पर आता तो अपन और ऊपर ले जा सकते हैं मोटर। अच्छा। ये बैड़ी तो डूबना नहीं, गदर बैड़ी। अच्छा, इसका लेवल अगर देखा जाए तो 145 से ऊपर है गदर बैड़ी का। अगर जैसे हम यहाँ पर अगर पानी भराता भी तो इन मोटरों को उठाकर स्टैंड हम ऊपर बना सकते हैं ताकि गाँव को पानी मिलता रहे समय पर। कुक्षी शहर को पानी आप मतलब यानी कि पिलाने के लिए ये सारी स्कीम चला रहे हैं और इस प्रयास कर रहे हो इसका? जी हाँ, सब हमारे अधिकारी के निर्देश पे हम काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार दावरे, नगर पालिका में निर्माण शाखा में। खबर समय जगत के लिए कुक्षी से सज्जाद खान की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का, हम है आपकी आवाज़।